हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई साहब। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम शेर सिंह है। शेर सिंह? हाँ जी, बीपीओ बलुआना, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। अच्छा, गांव बलुआना। हाँ जी, ठीक है। बलुआना कहाँ पड़ता है ये? ये मलोट रोड पर पड़ता है। मलोट रोड पे। और मेले में कब के आए हो? हम आए थे 14 को आ गए। 14 तारीख को। कितने दिन का मेला भाई साहब? ये 3-4 दिन चलता है। 3-4 दिन का है। क्या कुछ लेके आए मेले में? और एक घोड़े लेके आए। अच्छा, ये आपका नुकर ऑस्ट्रेलियन लेके आए हो? हाँ जी। क्या डिटेल है भाई साहब इसकी? इसका नाम है तूफान और सूर्या की लाइन को बिलोंग करता है। अच्छा, तूफान है। हाँ जी। और 68 इसकी हाइट है। 68 इंच हाइट है। एज इसकी 6 साल। अच्छा, 6 साल इसकी एज है। हाँ जी। और इसको क्रॉस, इसके बच्चे रिजल्ट वगैरह बाजार में कितने आए हुए हैं? 30-35 बच्चे आ गए। 30-35 बच्चे आए हुए हैं। किस प्रकार के बच्चे आ रहे हैं? सब नुकरी आ रहे हैं, बहुत अच्छे हाइट, बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, और दूसरा जैसे चंबी घोड़ियों पे कैसा रिजल्ट दे रहा है? नुकरे भाई साहब, वो फोटो लगी है। अच्छा, वो अपने रिजल्ट। अच्छा, वो वाले सारे सिद्धू स्टड फार्म बलवाना। अच्छा अच्छा। और इसकी जो इसकी डैम है वो कौन सी है जो इसकी मतर है? बोर लाइन की नुकरी है वो भी। अच्छा, बोर्ड लाइन की है। एज आपने इसकी 6 साल बताई ना? हाँ जी, 6 साल। अच्छा, तो ये कोई शो वगैरह में कभी कहीं है क्या? कंपटीशन जीता हुआ क्या? कंपटीशन मिल्क टीप में डाला था। अच्छा, मिल्क टीप में डाला था। और 68 इंच हाइट है। आपने खरीदा था कि आपके पास ही जन्म हुआ? घर पे जन्म हुआ। तो जिस प्रकार आपने ये घोड़ा तैयार किया है तो इसकी डाइट के बारे में थोड़ा बताओ भाई। अगर कोई नया बंदा जैसे कोई बच्चा लेके उसको स्टेलियन तैयार करना चाहे तो उसके बारे में थोड़ा आप बताओ। ऐसे ना भाई साहब, अलग अलग डाइट होते हैं हर एक की। अच्छा, अलग अलग तरीके होते हैं। हम अभी 5-6 किलो दाना डालते हैं डेली का। अच्छा, दाना किस चीज़ का डालते हो? चोकर हो गया, जमी होगी, छोले हो गए, उसका छिलका हो गया। मेटिंग फीस के हिसाब से डालते हैं। अच्छा, और इसकी मेटिंग फीस कितनी है घोड़ियों कवर कराने की? 11,000। 11,000 रुपये? हाँ जी। अच्छा, चलो। आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है भाई साहब? 7696-97009। एक बार नाम और बता दो आपका। मेरा नाम शेर सिंह, सन ऑफ सरदार। अच्छा, शेर सिंह जी, बलुआना के रहने वाले ना? हाँ जी जी, ठीक है।